हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गुजिया बनाकर दिखाऊंगी, सूजी नारियल की बहुत ही क्रिस्पी गुजिया जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसको आप चाहे तो महीना भर रखकर भी खा सकते हैं। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें भून लेंगे। पहले हम स्टफिंग बना रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले मूँगफली भून लूँगी। मूँगफली को मीडियम हीट पर भूनना है जब तक कि ये फटना शुरू नहीं हो जाता, और जब फटने लग जाए तब 2 से 3 मिनट के लिए फटने देना है और लगातार चलाते रहना है। और यहाँ पर हमारे मूँगफली भूनकर बिल्कुल तैयार है, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। अभी इनको बिल्कुल ठंडा होने देना है, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। चलिए फिर इनको ठंडा होने देते हैं और तब तक हम सूजी भून लेते हैं। आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने सूजी ली है और सूजी को बिल्कुल लो हीट पर भूनना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही अच्छी सी भुनी भुनी सी खुशबू आएगी और कलर हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और अभी हमारी सूजी भुनकर तैयार है, मैं इनको निकाल के ले रही हूँ। कढ़ाई को थोड़ा सा पोंछ लेंगे और अभी हम भून लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए अपने मनपसंद के। मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू और कुछ किशमिश लिए हैं। इनको भून लेंगे मीडियम हीट पर थोड़ा सा। और अभी ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार है, इनको भी मैं निकाल ले रही हूँ। और बिल्कुल आखिर में हम भून लेंगे नारियल। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल लिए हैं, घिस कर लिया है, आप देख सकते हैं लगभग 2.5 कप जितना होगा। तो अभी हम नारियल को भून लेंगे मीडियम हीट पर, थोड़ा सा लाल लाल कलर करके भून लेंगे। देखिए दोस्तों, नारियल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लाल लाल हो चुका है। अभी हम हीट को बंद कर देंगे, बंद करके बाकी चीज़ें मिलाएंगे जो कि हमने पहले से भून कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिलाएंगे ये मूंगफली का पाउडर, दरदरा सा पाउडर बनाकर लिया है मैंने, और पूरा नहीं ले रही हूँ, आधी क्वांटिटी ले रही हूँ मैं। और यहाँ पर हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, सूजी भी डाल देंगे, थोड़ा सा मिला ले रही हूँ मैं। ध्यान रहे कि हीट को बंद करके ही ये सब मिलाना है। और लास्ट में हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी, स्वाद अनुसार ज़्यादा कम कर लीजिए। और अभी सब कुछ मिलाएंगे और इसके साथ साथ इलायची का पाउडर भी डालना है। मैंने कुछ हरी इलायची को थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीस लिया था तो उसमें से मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे और हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसको साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए और तब तक हम डो बना लेंगे, मतलब गुजिया के कवर के लिए हम आटा लगा लेंगे। तो आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं 2.5 कप जितना आटा ले रही हूँ, मतलब मैदे का आटा। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के लिए, 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और इसके साथ साथ हमें चाहिए लगभग 1/3 कप जितना तेल, आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सादा तेल डाला है और तेल डालने के बाद हाथ से बहुत अच्छे से मसल मसल कर मिलाना है। मैं कैसे मिला रही हूँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मिलाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ मिल चुका है। अगर हम हाथ से जोड़ेंगे तो बिल्कुल एक लड्डू जैसा फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है डो बनने के लिए। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के डो बना लेंगे। टाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट डो बनाएंगे जैसे कि हम रोटी चपाती के लिए बनाते हैं। और पानी एक बार में ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, नहीं तो पतला होने का डर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छे से गूंथ लें। देखिए दोस्तों, हमारा आटा लगकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से और थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल डाल के फिर से एक बार मसल लेंगे तो डो और भी चिकना हो जाएगा। आप सॉफ्टनेस समझ सकते हैं कि बिल्कुल रोटी चपाती के तरह ही मैंने बनाया है। ये देखिए, इस तरह का डो मैंने बनाया है। अभी इस डो को ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए वेट करने देंगे, रेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम गुजिया बना लेंगे। और 10 से 15 मिनट बाद हम यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए चकली ली है, बेलन लिया है और छोटी सी लोई काट लेंगे, तोड़ लेंगे।
जैसे कि हम पूरी बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें एक पूरी बनानी है। थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए, और एक पतली सी पूरी बनाकर तैयार करनी है। क्योंकि हमें क्रिस्पी गुजिया चाहिए तो इसीलिए पूरी पतली ही बेलनी है। पूरी अगर मोटी हो जाएगी तो क्रिस्पी नहीं हो पाएगी आसानी से। देखिए हमारी पूरी बनकर तैयार है। मैंने थोड़ा सा पानी रखा है ताकि हम सील कर सकें गुजिया को। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे, जितना आपको रखना आता है, जितना स्टफिंग डाल के आप इसको बंद कर सकते हैं उतना ही डालें, ज़्यादा कम अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे किनारे में ताकि इसको सील कर सके और ये अच्छे से बंद हो जाए, तेल में जाकर फटे ना, इस तरह से। किनारे में थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा लेंगे और एक साइड से पूरी को उठाएंगे और दूसरे साइड में लेके चिपका देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से। इस तरह से मोमो भी बनाए जाते हैं। तो हमारी पहली गुजिया बनकर तैयार है। इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे एक फोर्क के मदद से। आप चाहते हैं ऐसे भी रख सकते हैं या तो हाथ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उंगली से मोड़ मोड़ के इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अभी तो ये फोर्क से कर रही हूँ। इसे देखने में भी अच्छा लगता है और तेल में जाकर फटने का चांस भी बहुत ही कम रहता है। तो देखिए पहली गुजिया बिल्कुल तैयार है। इसको रखते हैं साइड में। और एक दूसरा टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपसे पूरी गोल नहीं होती है तो आप एक कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग कटर होता है, और यहाँ पर मैंने एक डब्बा लिया है, टिफ़िन का डब्बा। इसकी मदद से मैं गोल करके काट लूँगी और उसके बाद जैसे कि पहली गुजिया बनाई थी उसी तरह से हम ये गुजिया भी बना लेंगे, तो साइज़ देखने में बिल्कुल अच्छी लगेगी। आप चाहे तो मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल है। करंजी मोल्ड या तो गुजिया मोल्ड बोलकर ये मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरी के ऊपर स्टफिंग रख दी है और साइड से पानी लगा रही हूँ और बिल्कुल उसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड से उठा लेंगे और दूसरे साइड में लेकर चिपका देंगे। दूसरी गुजिया भी तैयार है। इसके ऊपर भी हम डिज़ाइन कर देते हैं फोर्क की मदद से। इसी तरह से बाकी गुजिया भी हम बना लेंगे। 10-12 गुजिया बना लेंगे और पहला बैच तलते तलते हम बाकी गुजिया भी आराम से बना पाएंगे। तो देखिए अभी के लिए मैंने इतने बना लिए हैं, तो चलिए हम तलने के लिए चलते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे। क्रिस्पी गुजिया बनाने के लिए हमें बिल्कुल हल्का गर्म तेल चाहिए, तो थोड़ी ही देर के लिए गर्म करेंगे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। थोड़ा सा डो डालेंगे, छोटा सा एक, और आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे से ये बबल्स क्रिएट कर रहा है। पता नहीं कैमरा में कितना समझ आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बबल्स आ रहा है जो कि आपको खुली आँख में दिखेगी। तो इसका मतलब हमारा तेल हल्का गर्म है। अभी हीट को रखना है लो पर और एक एक करके जितनी गुजिया आ जाती है उतनी हम डाल देंगे। हीट को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच रखकर, हमें बिल्कुल पेशेंस रखकर हमें फ्राई करना है ताकि हमें बिल्कुल क्रिस्पी गुजिया मिले। हीट अगर ज़्यादा करेंगे तो ऊपर से बबल्स आ जाएंगे और जल्दी जल्दी फ्राई तो हो जाएगा लेकिन अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। और अभी मैंने स्पीड बढ़ा दिया है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी दिख रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने वेट किया है जब तक कि नीचे का साइड अच्छा सा वाइट कलर का ना दिखे। आप देख सकते हैं नीचे का साइड बहुत अच्छे से वाइट कलर का हो गया है। अभी मैं धीरे धीरे पलट दे रही हूँ और इसी तरह से पलट पलट कर बिल्कुल अच्छा गोल्डन रेड करके फ्राई करना है। कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं,
और अभी देखिए कलर बिल्कुल अच्छा गोल्डन रेड हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरी बच्ची ने मुझे बिजी कर दिया था, तो उसके पीछे बिजी होते होते मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाई, तो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। इतना डार्क नहीं करना चाहिए था, थोड़ा हल्का रेड कलर करके ही हमें निकालना चाहिए था क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अभी तो मैं निकाल ले रही हूँ, बाकी के बैच में मैं ध्यान रखूँगी। और अच्छे से तेल को ड्रेन करके निकालना है और निकाल के एक किचन टॉवल पर रखना है ताकि एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये देखिए गुजिया का टेक्सचर ये है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं दोस्तों, बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी है। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी, खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी भी सिंपल है, ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई की तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये रेसिपी हमारे लिए मतलब दिवाली और होली के लिए बहुत ही स्पेशल होती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें अपने त्यौहार पर और अपने त्यौहार एंजॉय करें। ये देखिए दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी गुजिया बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।